ताली आकर आदरणीय भूपेंद्र यादव जी निवेदन है कि भारतीय जनता पार्टी के नौ निर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी का स्वागत करें। आदरणीय मुरलीधर राव जी से निवेदन है कि वह मंच पे आए, हमारे प्रेरणा के केंद्र भारत सरकार पूर्व उप प्रधानमंत्री पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लाल केसर आडवाणी जी का स्वागत करें। दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष मनोज तिवारी जी से निवेदन है कि मंच पे आए, पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी का पटका के माध्यम से स्वागत करें। आदरणीय दुष्यंत गौतम जी से निवेदन है कि वह मंच पे आए और पार्टी के निवर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत सरकार के गृह मंत्री जिनके नेतृत्व में पार्टी विश्व की सबसे बड़ी बनी, ऐसे माननीय राष्ट्रीय पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अमित शाह जी का अभिनंदन करें, स्वागत करें। अनिल जैन जी, अगर विनोद सोनकर जी से निवेदन है कि मंच पे आए, अनुसूचित मोर्चा के आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत सरकार में रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी का आप स्वागत करें। पार्टी के राष्ट्रीय सचिव सत्या जी से निवेदन है कि मंच पे आए और केंद्रीय मंत्री संसदीय बोर्ड के सदस्य थावरचंद गहलोत जी का पटका के द्वारा स्वागत करें। तरुण चुग जी जो पार्टी के राष्ट्रीय सचिव हैं वह मंच पे आए। तरुण चुग जी मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री संसदीय बोर्ड के सदस्य शिवराज सिंह चौहान जी का स्वागत करें। तालियां बजती रहनी चाहिए भाई। एच राजा जी मंच पे आए और वह आदरणीय राधा मोहन सिंह जी जिन्होंने चुनाव कराया उनका स्वागत करें। बैजन पांडा जी से निवेदन है कि वह मंच पे आए, पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नितिन गडकरी जी केंद्रीय मंत्री हैं, उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें, जोरदार तालियां बजनी थी। पार्टी के संगठन मंत्री राष्ट्रीय महामंत्री संगठन आदरणीय वीर संतोष जी का पटका पहना करके स्वागत करें। मित्रों, पार्टी का संगठन पर्व की शुरुआत सदस्यता अभियान के माध्यम से पूरे देश भर में 6 जुलाई डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के जयंती से शुरू हुई। माननीय प्रधानमंत्री जी जिन्हें इस अभियान की शुरुआत करते हुए काशी से सदस्यता अभियान की शुरुआत की और देखते देखते पूरे देश भर में 6 करोड़ 68 लाख से अधिक नए सदस्य भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हैं। उसके उपरांत सक्रिय सदस्यता पूरे देश भर में संपन्न हुई और सक्रिय सदस्यता के साथ ही जो सक्रिय सदस्य थे उनका सत्यापन का कार्य भी संपन्न हुआ। चुनाव की प्रक्रिया उसके उपरांत शुरू हुई। पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे ऐसे राधा मोहन सिंह जी के नेतृत्व में 4 सदस्यीय जो चुनाव केंद्रीय चुनाव अधिकारी की घोषणा 19 जुलाई 2019 को हुआ। हमारी पार्टी में ही भारतीय जनता पार्टी में ही आंतरिक लोकतंत्र है जहां बूथ से लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होता है। सभी कार्यकर्ता चुनाव में लगे और 7,68,019 बूथों में चुनाव संपन्न हुआ।
7,68,000 बूथों में चुनाव संपन्न हुआ। उसके साथ साथ 10,469 इतने मंडलों में भारतीय जनता पार्टी के का चुनाव संपन्न हुआ। यह बहुत ही बड़ी उपलब्धि रही है प्रदेश के कार्यकर्ताओं की। सांगठनिक जिला की जहां तक प्रश्न है, 562 सांगठनिक जिलों का चुनाव संपन्न हुआ भारतीय जनता पार्टी का, और 21 प्रदेश का चुनाव निर्विरोध सर्वसम्मति से भारतीय जनता पार्टी के का चुनाव संपन्न हुआ। उसके बाद आज केंद्रीय चुनाव अधिकारी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की घोषणा की, और हम सबको हर्ष है, प्रसन्नता है कि हम सबके बीच में आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी उनको निर्विरोध सर्वसम्मति से पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया और उसकी घोषणा हुई। तालियों के द्वारा उनका अभिनंदन करते हैं। इस अवसर पे मेरा निवेदन है, विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता, गांव गरीब किसानों के मसीहा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कि आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी का अभिनंदन करें। तालियां बजती रहनी चाहिए। हम सबके प्रेरणा के केंद्र पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर लाल केसर आडवाणी जी से निवेदन करूंगा कि जगत प्रकाश नड्डा जी को आप अभिनंदन करें और आशीर्वाद दें। पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मुरली मनोहर जोशी जी से निवेदन करूंगा, आप जगत प्रकाश नड्डा जी को आप पुष्पगुच्छ दे करके उनका अभिनंदन करें। तालियां बजती रहें। पार्टी के निवर्तमान अध्यक्ष भारत सरकार के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी से निवेदन करूंगा, वह नव निर्वाचित अध्यक्ष जी का अभिनंदन करें। पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत सरकार के रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी से निवेदन करूंगा, वह नव निर्वाचित अध्यक्ष जी का अभिनंदन करें। पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी से निवेदन करूंगा कि वह नवनिर्वाचित अध्यक्ष जी का अभिनंदन करें। संसदीय बोर्ड के सदस्य आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी से निवेदन करूंगा, वह माननीय नड्डा जी का अभिनंदन करें। आदरणीय थावरचंद गहलोत जी केंद्रीय मंत्री से निवेदन करूंगा, वह आदरणीय जेपी नड्डा जी का अभिनंदन करें। पार्टी के संगठन का पूरा चुनाव का दायित्व निर्वहन करने वाले ऐसे आदरणीय राधामोहन सिंह जी से निवेदन करूंगा, वो अभी आदरणीय जेपी नड्डा जी का अभिनंदन करें। आदरणीय बीएल संतोष जी से निवेदन है कि वो अभी आदरणीय नड्डा जी का अभिनंदन करें। आप जोरदार तालियों के द्वारा एक सब अभिनंदन करें, सभी कार्यकर्ता जोरदार तालियों के द्वारा आदरणीय नड्डा जी का अभिनंदन। जोरदार तालियां कर दीजिए। आदरणीय भूपेंद्र यादव जी का निवेदन है कि भारतीय जनता पार्टी के नौ निर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी का स्वागत करें। मुरलीधर राव जी से निवेदन है
जो मंच पे आए हमारे प्रेरणा के केंद्र भारत सरकार पूर्व उप प्रधानमंत्री पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लाल किशोर आडवाणी जी का स्वागत करेंगे। दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष मनोज तिवारी जी से निवेदन है कि मंच पे आए पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी का पटका के माध्यम से स्वागत करें। आदरणीय दुष्यंत गौतम जी से निवेदन है कि वह मंच पे आए और पार्टी के निवर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत सरकार के गृह मंत्री जिनके नेतृत्व में पार्टी विश्व की सबसे बड़ी बनी ऐसे माननीय राष्ट्रीय पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अमित शाह जी का अभिनंदन करें, स्वागत करें। अनिल जैन जी, अगर विनोद सोनकर जी से निवेदन है कि मंच पे आए अनुसूचित मोर्चा के आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत सरकार में रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी का आप स्वागत करें। पार्टी के राष्ट्रीय सचिव सत्या जी से निवेदन है कि मंच पे आए और केंद्रीय मंत्री संसदीय बोर्ड के सदस्य थावरचंद गहलोत जी का पटका के द्वारा स्वागत करें। तरुण चुग जी जो पार्टी के राष्ट्रीय सचिव हैं वह मंच पे आए। तरुण चुग जी मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री संसदीय बोर्ड के सदस्य शिवराज सिंह चौहान जी का स्वागत करें। तालियां बजती रहनी चाहिए भाई। यच राजा जी मंच पे आए और वह आदरणीय राधा मोहन सिंह जी जिन्होंने चुनाव कराया उनका स्वागत करें। बैजन पांडा जी से निवेदन है कि वह मंच पे आए। पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नितिन गडकरी जी केंद्रीय मंत्री हैं, उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। जोरदार तालियां बजनी थी। पार्टी के संगठन मंत्री राष्ट्रीय महामंत्री संगठन आदरणीय बेल संतोष जी का पटका पहना करके स्वागत करें।